नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात। आप देख रहे हैं स्मार्टफोन लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की। जी हाँ, व्हाट्सएप में आज हम उस ऑप्शन की बात करेंगे। जैसे कि कई बार होता है कि हम किसी की भी प्रोफाइल देखते हैं ना, तो उसमें लास्ट सीन दिखाई देता है ना। आज हम उसी की बात करेंगे कि मतलब वो लास्ट सीन कैसे छुपाया जाए। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि कई बार होता है कि हम लोग किसी प्रोफाइल देखते हैं, उसमें लिखा होता है लास्ट सीन और टाइम लिखा होता है, मतलब उसने इतने बजे व्हाट्सएप चलाया है ना, आपको पता चल जाता है ना कि इतने बजे वो ऑनलाइन आया, ये सब आपको जानकारी मिल जाती है लास्ट सीन से। और कई बार हम ये चाहते हैं कि वो लास्ट सीन मतलब दूसरे को ना दिखाई पड़े, हमारे किसी दोस्त को, मतलब उसे पता ना लगे कि हम कब ऑनलाइन आए थे, है ना। ये भी कभी कभी हम चाहते हैं ना। आज मैं आपको वही बताऊंगा कि वो लास्ट सीन कैसे छुपाया जाता है मोबाइल में, मतलब मोबाइल में व्हाट्सएप में है ना, किस तरह वो हाइड कर सकते हैं। आज इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। और इसके लिए है ना, आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर चलना होगा, फिर मैं आपको वहां पर बताता हूँ किस तरह कैसे करेंगे, ठीक है, वो हाइड लास्ट सीन को हाइड कैसे करेंगे। चलिए फिर मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। दोस्तों, अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने व्हाट्सएप में जो लास्ट सीन होता है ना, उसे कैसे छुपाएं, कैसे हाइड करें। जी हाँ, जिससे कि कोई ये ना जान पाए कि हम कितने बजे ऑनलाइन आए थे, है ना। अब मैं इसी के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है, ये किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी व्हाट्सएप पर चलते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले व्हाट्सएप पर आ जाइए। दोस्तों, यहाँ मैं है ना कुछ नंबर को मतलब ब्लर कर दूंगा, ठीक है, छुपा दूंगा जिससे कि दिखाई ना दे, फॉर सिक्योरिटी पर्पस भी हो जाता है ना दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो आपको तीन बिंदी दिख रही होंगी राइट हैंड साइड, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक किया ना, फिर नीचे सबसे आएगा ये सेटिंग। जी हाँ, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। ये सेटिंग पर क्लिक किया, अब ये आ रहा होगा अकाउंट। अब ये अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये आएगा प्राइवेसी। अब प्राइवेसी पर एक बार क्लिक कीजिए, ठीक है। अब प्राइवेसी पर एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ प्राइवेसी पर क्लिक किया, अब यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, है ना। ये लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो, अबाउट स्टेटस, ग्रुप्स, लाइव लोकेशन, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, ये सब आ रहा है ना। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट सीन की, ठीक है। ठीक है, हमें है ना लास्ट सीन को छुपाना है, हाइड करना है। तो अब हम एक बार लास्ट सीन पर क्लिक कर देंगे। लास्ट सीन पर क्लिक किया, अब ये ऑप्शन आ रहे हैं एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट, नोबडी, मतलब जो लास्ट सीन है ये कौन कौन देख सकता है, सब लोग देख सकते हैं, मेरे जो कांटेक्ट में वो देख सकते हैं, या कोई नहीं, नोबडी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नोबडी करना है, कि मतलब जब हम ऑनलाइन आए तो ये किसी को दिखाई ना पड़े, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर नोबडी कर देंगे, नोबडी कर दिया, ठीक है, हो गया दोस्तों। और ये इस तरीके से देखिए, लास्ट सीन हो गया नोबडी। अब ये होगा दोस्तों कि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे तो किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि मतलब हम कितने बजे ऑनलाइन आए थे। अब हमारा लास्ट सीन हाइड हो गया, इतना ही करना था दोस्तों, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग लास्ट सीन किस तरह हाइड करेंगे, है ना। नोबडी का मतलब यही हो गया, कोई नहीं देख सकता, है ना। अब तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हम किस तरह हाइड करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ओके। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग व्हाट्सएप में लास्ट सीन को कैसे हाइड करेंगे, है ना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। अब कोई बात ना समझ में आई हो, कैसे क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।